हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से मैं इस अंडे में से बच्चे को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और बाकी दो बच्चे जो हैं अपनी माँ के पास अपना अच्छे से हेल्दी बच्चे हैं, घूम रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। ये जो अंडा है जिसमें कि भी आप लोग देख रहे हैं कि मेरे हाथ में है और मैं इसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बच्चा पूरी तरीके से अंडे में बन चुका है, मगर इस पे जो है मुर्गी पूरी तरीके से ध्यान ना देने की वजह से ये अंडे में अभी तक फंसा हुआ है। तो गाइस, मैं इसे अपने हाथों से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि और बड़े ही आराम से निकालने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बच्चे बड़े नाजुक होते हैं और इसमें एक लेयर भी होती है, तो हमें धीरे धीरे करके एक एक लेयर को हटाना पड़ता है। और क्योंकि अगर अगर हमने थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो इसके बच्चे को चोट भी लग सकती है और बच्चे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंच सकता है, तो हमें बड़े आराम आराम से इसके लेयर को हटाना होगा ताकि बच्चा जो है बिना किसी चोट के वो बाहर आ सके। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि मैं जो है मुर्गियों के बारे में आपको इस पर और ढेर सारी जानकारी दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक कोई लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको जो है लेटेस्ट मुर्गियों के बारे में और इनसे रिलेटेड जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे सकूँ। तो गाइस, अभी जो आप देख रहे हैं ये मैंने बड़ी ही सावधानी से बड़े ही मतलब तरीके से एक एक लेयर को हटा करके बच्चे को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस मुर्गी को मैंने जो है अंडे 20 अप्रैल को दिए थे और तकरीबन इसने जो है 20 से 21 दिन लिए अंडे को फोड़ने में। हालांकि मैंने इसे 10 अंडे दिए थे मगर 10 अंडों में से सिर्फ 3 ही बच्चे निकल पाए हैं, बाकी जो 7 अंडे हैं वो ख़राब हो गए। और उसके पीछे कारण ये है कि इन अंडों को गर्मियों में दिया गया जिसकी वजह से उसमें कुछ अंडे ख़राब हो गए और कुछ जो हैं मीन्स किसी में बच्चा पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया। तो गाइस, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप कभी भी अगर जो भी मुर्गियों को पालते हैं और उनको अंडा देना चाहते हैं सीखने के लिए तो उन्हें अक्टूबर नवंबर के बीच में या कोई भी जैसा मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर जो भी ठंडा मौसम हो उसमें दें, क्योंकि अगर आप 34-35 डिग्री टेम्परेचर के आसपास में मुर्गी को अंडा सेकने के लिए देते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होने की आशंका रहती है। तो सबसे अच्छा समय है मुर्गियों को अंडा सेकने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि बच्चा जो है मैंने अंडे में से निकाल दिया है, काफ़ी अभी मतलब सुस्त है और काफ़ी अभी मतलब इसको सेक मिलेगा तभी ये अच्छी तरीके से हेल्दी तरीके से अपना चलना फिरना शुरू करेगा। तो गाइस, और इनकी जानकारी मैं आपको दूंगा।